सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना, तो भी कहता वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालू। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हो तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए, वो एक दफा आए तो सही, कोई मिट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रस्तान फिर के देख लें, सुराख है। ओ भाई, हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा। तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है। तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था, अब तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया, अब तो एक तो नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहां कोई रहा करता था, यहां कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्सा परीना किस्सा माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है। हजरत उमर का फरमान, आप फरमाया करते थे अपना हिसाब खुद कर लो, कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे, खुद कर लो अपना हिसाब, खुद खाते ठीक करके रखो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें उनमें शामिल करे जिनको वो माफ करने वाला है।